गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ, देखो ये मेरा करेले का प्लांट है जो मैं कंटेनर में मतलब कि ग्रो किया है। लेकिन इसमें एक गलती की है, वो क्या है बताती हूँ। करेले का जो है ना बेल, इसमें लगता है कि सबसे पहले फ्रूटिंग हो जाती है। लौकी और तुरई वगैरह जो भी है वो बाद में होती है। देखो कितने सारे फ्रूटिंग्स हुई हैं, छोटे छोटे करेले लग गए हैं मेरे, 5-6 लग गए हैं, अच्छे भी लग रहे हैं देखने में, लटक रहे हैं। तो ये जब बड़े होंगे तब मैं हार्वेस्टिंग करूँगी और मैं शेयर करूँगी। लेकिन जो यहाँ पे लौकी का, तुरई का और उस साइड में कद्दू का भी लगा हुआ है गाइस, तो वो सब जो है ना उसकी फ्लावरिंग अभी हो नहीं रही है। 1 महीना तो लगभग हो ही गया है, अभी तक हो नहीं रही है। और लौकी की तो बिल्कुल नहीं आई, तुरई की भी नहीं आई है। ये मैंने छोटी से बोरी में लगा, छोटी नहीं कम से कम 18 इंच का बोरी है ये। और ये देखो भिंडी का फ्लावर आ गया है, लेकिन कंटेनर का जो प्लांट है ना भिंडी का, वो ज़्यादा बड़ा हो गया है। लेकिन मैं दिखाऊंगी कि मेरा ज़मीन में जो लगा हुआ है, जो ये देखो मेरा भिंडी का प्लांट, इसमें भिंडी बड़े बड़े हो भी गए हैं, अच्छे फ्रूटिंग कर रहे हैं। प्लांट छोटे हैं लेकिन बहुत अच्छे से ये फ्रूटिंग कर रहे हैं। लेकिन उसमें कंटेनर में प्लांट बड़े हैं और अभी तक फ्रूटिंग नहीं है, फ्लावरिंग जस्ट हुआ है। तो कैसा लगा ये मेरा वीडियो, हार्वेस्ट जब करूँगी मैं दिखाऊँ।